हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट टैबलेट के बारे में। जानेंगे यह टैबलेट क्या होता है, यह इसका यूज क्या होता है, इसको आप किस नाम से खरीद सकते हैं और इस टैबलेट काम कैसे करता है, इसका डोज क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, सभी चीज़ें डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो इसमें 15 टैबलेट रहता है, इसका MRP होता है 90 रुपीज़। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के मेडिसिन रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यह टैबलेट को आप किस नाम से खरीद सकते हैं। तो इसे आप खरीद सकते हैं नोडोसिस या सुबोसिस के नाम से खरीद सकते हैं, यह इसका ब्रांड नाम होता है। नहीं तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट टैबलेट के नाम से भी खरीद सकते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यह सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है और काम कैसे करता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट एक एंटासिड है जो कि हमारा जो स्टोमक में बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रेशन होता है उसको न्यूट्रलाइज किया करता है, मतलब कि जो एसिड सिक्रेशन होता है उसको कम करने में मदद करता है। मतलब कि आपका जो स्टोमक है, मतलब कि पेट में बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रेशन हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए, कम करने के लिए यह सोडियम बाइकार्बोनेट टेबलेट डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस टेबलेट के यूज के बारे में, किस किस कंडीशन में यह टेबलेट को दिया जाता है पेशेंट को, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एसिड के कारण से एसिड हुआ है, तो उस टाइम व्यक्ति को हार्ट बर्न हो रहा है, छाती में जलन हो रहा है, तो उस टाइम यह टेबलेट को दिया जाता है। तो यह होता है हमारा जब खाना ठीक से डाइजेस्ट हो नहीं पाता है उसके वजह से होता है, खाना जब अपच रह जाता है उसके वजह से यह सब चीज़ें होता है हार्ट बर्न। इसके अलावा दिया जाता है किसी व्यक्ति को इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया, मतलब कि खाना ठीक से नहीं पच पा रहा है, उस टाइम भी दिया जाता है। या किसी व्यक्ति का पेट में अपसेट हो गया है, स्टोमक अपसेट हो गया है, मतलब कि आपका किसी कारण से पेट खराब हो गया है, स्टोमक अपसेट हो गया है, तब भी यह टेबलेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट टेबलेट को दिया जाता है। और साथ ही यह टेबलेट को डायरिया लूज मोशन में भी दिया जाता है, क्योंकि यह सोडियम बाइकार्बोनेट में हमारा इलेक्ट्रोलाइट रहता है, उसके वजह से उस टाइम भी सोडियम बाइकार्बोनेट टेबलेट को दिया जाता है डायरिया लूज मोशन में। तो यह सब इसका यूज होता है। इसके अलावा डॉक्टर अपने अनुसार वही को और कोई दिक्कत प्रॉब्लम में भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस टेबलेट के डोज के बारे में। तो इसमें 500 mg का और 1000 mg का रहता है, ठीक है, दोनों ही स्ट्रेंथ में यह टेबलेट रहता है। तो किसी व्यक्ति को अगर हार्ट बर्न हो रहा है या गैस का दिक्कत हो रहा है, तो उस व्यक्ति को खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले दिन में 1 से 2 बार ले सकता है, ठीक है, खाना खाने के बाद भी ले सकता है और खाली पेट में भी ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिन में 1 से 2 बार दिया जाता है। तो वीडियो के लास्ट में हम बात कर लेते हैं इस टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। तो जनरली तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता है, फिर भी अगर किसी व्यक्ति को साइड इफेक्ट होता है तो पेट दर्द, पेट में मरोड़े आना, या व्यक्ति को डायरिया लूज मोशन होना, या व्यक्ति को गैस्ट्रिक इरिटेशन होना, तो यह इसका कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होता है। अगर कोई दिक्कत होता है तो मेडिसिन को लेना बंद करके अपने डॉक्टर को ज़रूर से दिखाएं और यह टेबलेट को बिना डॉक्टर के सलाह ना लें। अभी तक आपने अभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।